नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करें और डाउनलोड करें पोल कोल पोस्ट बाय यूट्यूब और फेसबुक से तेज समाचार। तो नमस्कार, मैं दिनेश कुमार और आप देख रहे हैं पोल कोल पोस्ट। हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश सिंगरौली जिले के सिंगरौली जयंत मार्ग के बीच में स्थित मेड़ौली स्थान पर वार्ड क्रमांक 10 के समीप में ही एक एनसिल के द्वारा बनाए गए डैम के पास। एक ऐसा डैम जो कि अधूरा है, एक ऐसा डैम जिस पर वन विभाग की तरफ से रोक लगा दी गई है। हालांकि इस बारे में हमें ज़्यादा पुष्टि नहीं हम लोग कर पाए हैं कि ये डैम को बनाने के पीछे एनसीएल का क्या उद्देश्य है और किस लिए इसे बनाया जा रहा है, लेकिन हमारे बीच में एक उम्रदराज व्यक्ति मौजूद हैं, उनके माध्यम से ही हमें कुछ जानकारियां मिली। आइए हम उनके साथ एक बात करते हैं और उनसे पूछते हैं। चाचा, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा रामललन नाम है। रामललन, तो ये जो बन रहा है ये कौन बनवा रहा है? ये रावण प्रताप सिंह ठाकुर ठीका लिए हैं। अच्छा, ठीका लिए हैं। हाँ। तो ये मतलब नगर निगम बना रही है कि कौन बना रहा है? ये बताते हैं कि एनसीएल का है, हम लोग ठीका लेकर बनवा रहे हैं। अच्छा, एनसीएल का है और ये लोग ठीका लेकर बनवा रहे हैं। क्यों बनवा रहे हैं, कुछ पता है? इसके क्या पूजा करते हैं? छठ पूजा के लिए। अच्छा, छठ पूजा के लिए। छठ पूजा के लिए बंधा बनाने रहे हैं। अच्छा, छठ पूजा के लिए बंधा बना रहे हैं। आप यहाँ पर क्या करते हैं? हम लोग यही रहते हैं, इसे चौकीदारी। अच्छा, चौकीदारी करते हैं। हाँ। कितना मिलता है आपको? 200 रुपया। 200 रुपया रोज का? रोज का। रात में भी रुकते हैं? हम दिन में अलग हैं और रात का अलग है। रात का अलग है। हाँ, वो 200 रुपया पाते हैं। कब से ये काम चल रहा है? अरे ये धीरे धीरे हो गया, 2 महीने से। अच्छा, 2 महीने से चल रहा है। हाँ। 2 महीने चल रहा है अभी। हाँ। ये क्यों काम रोका क्यों गया? रोका गया कि जंगल विभाग है इसे के रमना है, इसीलिए रोक दिया। अच्छा, रोक दिया गया है। अब पहले बंदा बना वो तो नहीं रोका। अच्छछा, पहले बंदा एक बंदा और है। हाँ। और उसे नहीं रोका गया, लेकिन इस वाले बंदे को रोक दिया गया। बहरहाल हम मौजूद थे, आपको ये बता पा रहे थे कि वार्ड क्रमांक 10 में गणेश मंदिर के समीप में ही एक डैम बनाया जा रहा है। लोगों का कहना है कि एनसिल के माध्यम से बनाया जा रहा है और लोक कल्याण के लिए बनाया जा रहा है। कैमरामैन जयंत वर्मन के साथ मैं दिनेश कुमार पोल खोल पोस्ट से हमारे चैनल में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए और हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके हमारे साथ और भी नज़दीकी से जुड़े रहिए।